हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको खुश करने का है हमारे पास एक ट्रिक। कैसे? क्योंकि हम सुनने जा रहे हैं पेपा की स्टोरी कैंपिंग ट्रिप। क्यों, मजेदार है ना? बटर टेल्स में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। लिली, हॉलीडेज किसको पसंद नहीं है? ये कोई पूछने की बात है? हॉलीडेज तो सबको पसंद है डेजी। हाँ, हॉलीडेज तो सबको पसंद है, इसीलिए पेपा, जॉर्ज, मम्मी पिग और डैडी पिग हॉलीडेज में जा रहे हैं। लिली, पेपा बहुत खुश है क्योंकि उसने डैडी को कैंपर वैन के साथ देख लिया। लिली, कैंपर वैन मजेदार होता है क्या? हाँ, उसमें तो सारे सिस्टम्स होते हैं। ओह, इसीलिए मम्मी पिग और जॉर्ज भी खुश है कि वो लोग इसको पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। लिली, क्या देख रही है? अरे, सारे जम करके कैंपर वैन में बैठ गए हैं। अरे हाँ, और डैडी पिग ने बोल दिया चलो हम चले, और पेपा ने गाना भी शुरू कर दिया। वो गा रही है, हम छुट्टियों में जा रहे हैं हमारे कैंपर वैन में। गाकर सुनाओ। हाँ, छुट्टियों में जा रहे हैं हम, कैंपर वैन में बैठे हम। कैसा है लिली? बहुत अच्छा है। तो लिली, कहीं हम जा रहे हैं और खो जाएं तो क्या लगता है? ऐसा लगता है कि कोई हमारा मदद कर देता। हाँ, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। डैडी पिग खो गए हैं, मतलब सब यहाँ पे खो गए हैं, पर यहाँ पे उनको मदद करने के लिए ग्रैंड डैड डॉग आए हैं। तो पापा ने मदद मांगा डेजी? हाँ लिली, उसने पूछा क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं ग्रैंड डैड डॉग, और ग्रैंड डैड डॉग मदद करते हुए बोले क्या आप लोगों ने अपना सैटनैप को देखा है? ये सैटनैप क्या होता है डेजी? हाँ एग्जैक्टली, यही क्वेश्चन डैडी पिग ने भी ग्रैंड डैड डॉग से पूछा। लिली, सैटनैप रास्ते ढूंढने में तुम्हारी मदद करता है, ये ग्रैंड डैड डॉग ने भी डैडी पिग से बोला। ग्रैंड डैड डॉग ने डैडी पिग के लिए सैटनैप को कैंपर वैन में ढूंढ लिया, और सैटनैप ने भी डैडी को रास्ता बता दिया। बहुत अच्छा डेजी। डेजी, ये तो कोई गाना जैसा है। हाँ लिली, पेपा जो गाना गा रही है वही गाना। छुट्टियों में जा रहे हम, कैंपर वैन में बैठे हम। पर लिली, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। कैंपर वैन का तेल खत्म हो गया है। पता है लिली, यहाँ पे एक फनी बात हुई है। क्या? डैडी पिग इंजन को ढूंढ रहे हैं पर उनको मिल नहीं रहा है। तो कोई मदद करने के लिए आया है? हाँ, मम्मी सिपाही हैं उनको मदद करने। पेपा ने उनको पूछा क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, हम हमारे इंजन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो मम्मी सिप ने क्या मदद किया? मम्मी सिप ने कैंपर वैन के पीछे इंजन को ढूंढ लिया उनके लिए। अच्छा। हाँ लिली, और डैडी पिग ने इंजन में ऑयल डाली और वो चालू हो गए। पता है लिली, मम्मी पिग खुश हो गई। क्यों? क्योंकि वो अपने जगह में पहुंच गए थे। तो पेपा खुश होके हुर्रे बोली। वो लोग अभी क्या करेंगे डेजी? वो लोग अभी बेड में जाने वाले हैं, क्योंकि मम्मी पिग ने बोला टाइम फॉर बेड, मतलब ये सोने का समय है। पर पापा थोड़ी कंफ्यूज है। हाँ लिली,
क्योंकि उनका बेड दिखाई नहीं दे रहा है। वो पूछ रही है, हमारा बेड का क्या? बेड तो घर पर ही है। पर डैडी पिग ने एक बड़ा सा बटन को दबाते हुए पेपा को बोला, इधर देखो। तो एक बड़ा वाला बेड मम्मी पिग और डैडी पिग के लिए आ गया। पर पेपा और जॉर्ज के लिए तो बेड है ही नहीं। नहीं लीदी, आगे कहानी तो सुनो। डैडी पिग ने एक छोटा वाला बटन भी दबाया और उनके लिए भी एक बेड तैयार हो गया। ओ, ये तो मैजिक है। हाँ, कैंपर वैन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब दो छोटे बेड पेपा और जॉर्ज के लिए हो गया। जॉर्ज और पेपा बेड पर कूद के बैठ गए और पेपा बोलती है, मुझे ये कैंपर वन बहुत पसंद है, ये तो घर की तरह है। पेपा किसको गुड नाइट बोल रही है? पेपा सैपनैप को गुड नाइट बोल रही है, क्योंकि सैपनैप ने गुड नाइट बोला। क्यों, है ना मजेदार लिली? हाँ, मुझे भी कैंपर वैन बहुत पसंद है, मैं भी जाऊंगी छुट्टियों में। जरूर लिली, हम सब जाएंगे मिलके। और जो दोस्त अभी हमारी स्टोरी को सुन रहे हैं, वो लोग भी छुट्टियों में जाना चाहेंगे, क्योंकि ये समर वेकेशन चल रहा है ना दोस्तों? स्टोरी तो खत्म हो गई, पर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।